सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सब दूर दूर रहो, दूर 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 रहो सब। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। हाँ ये भी सही। आज मैंने मेरे वार्ड नंबर 25 में जो कि सैनिटाइजर मशीन बनाई है, इसके अंदर जो हमारी युवा टीम है वार्ड 25 की, इसका ये उद्देश्य है कि डॉक्टर साहब और पुलिस और जो नगर निगम सफाई कर्मचारी जो पूरे हिंदुस्तान के एक तरीके से रक्षक हो रखे हैं जगह जगह, इनके लिए हमारे वार्ड के युवा साथियों की ये सोच थी कि पुलिस प्रशासन और डॉक्टर, इनके अलावा अन्यथा जो सफाई कर्मचारी है जो पूरे अजमेर को और वार्ड को करते हैं, ये जब भी घर पे जावे तो ये क्या है सैनिटाइजर होके जावे, क्योंकि इनका भी परिवार है और ये भी पूरे पूरे वार्ड की सफाई करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा सफाई कर्मचारियों को होता है, क्योंकि इन कीटाणु का कोई लक्षण अभी तक पता नहीं है कि कैसे क्या फैलता है क्या नहीं फैलता है। इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरे वार्ड के युवा साथियों ने सबने हिम्मत करके 5 दिन से इस सैनिटाइजर मशीन को बनाई। अब इसके अंदर कोई भी कर्मचारी हो, वार्ड का हो, वार्डवासी हो, या बाहर डॉक्टर अजमेर के अंदर जा रहा हो डॉक्टर कोई काम से, आपातकालीन काम से, तो इस सैनिटाइजर मशीन से होके जावे और पुलिस और डॉक्टर और नगर सिविल कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को इस कदर संभाल रखा है इतनी आपातकालीन के अंदर, कि इनको हम जितनी धन्यवाद देवें और इनका जितना हौसला अपन बढ़ावें उतना कम है। और मैं सबको एक उद्देश्य और देना चाहता हूँ कि सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कानून की बहुत बहुत पालना करें, इसी में अपने की सबकी सुरक्षा है और अपन सब रहेंगे, क्योंकि इस मारामारी से जब तक अपन खुद अपने घरों में कैद नहीं रहेंगे जब तक ये मारामारी ख़त्म नहीं होगी, यही सरकार का उद्देश्य है माननीय अशोक गहलोत जी का और हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी का, कि सब घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जहाँ तक बार बार हाथ धोए हर एक घंटे में, ये हमारा उद्देश्य है। क्या फिर कहना चाहते हैं अजमेर शहरवासियों को? अजमेर शहरवासियों को ये कहना चाहता हूँ मैं, सफाई कर्मचारियों का जितना हौसला बढ़ा सके, डॉक्टर का और पुलिस प्रशासन का उतना हौसला बढ़ाएं और सब अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन की पालना करें। आपका नाम? पार्षद रईस अहमद, कांग्रेस।